हाय गाइस, अगर आप BSNL फाइबर यूजर हैं और जानना चाहते हैं कि आपके लिए बेस्ट प्लान वैल्यू फॉर मनी प्लान कौन सा होने वाला है तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सो हेलो, हाय, हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक्निकल ज्ञानी। हमारे चैनल में आपका स्वागत है गाइज। अगर नए हैं आप तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें। तो चलिए बात करते हैं सारे प्लान के बारे में। सो फर्स्ट प्लान की बात करें गाइज, तो 499 में फर्स्ट प्लान आता है जो कि 30 Mbps स्पीड के साथ आता है, 3300 GB डाटा लिमिट, 1 मंथ की वैलिडिटी के साथ यह प्लान आपको देखने को मिलता है। साथ ही इस प्लान में कुछ कॉन्स भी है गाइज। इस प्लान में आपको एक भी OTT एप्स नहीं मिलती है। ये ऑब्वियसली वैल्यू फॉर मनी प्लान है। अगर आपको इंटरनेट यूज करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इस प्लान के साथ काफी अच्छा प्लान है। लेकिन अगर आपको इंटरनेट के साथ OTT एप्स जैसे हॉटस्टार, सोनी लीव, कई सारी OTT एप्स हैं, तो इनको अगर आपको एंजॉय करना है तो इसके लिए आपके लिए थोड़ा सा महंगा जरूर होगा। तो बात करते हैं नेक्स्ट प्लान की। नेक्स्ट प्लान 749 में आपको 100 Mbps स्पीड के साथ 1000 GB डाटा देखने एंड 1 मंथ की वैलिडिटी के साथ कई सारी OTT एप्स यहाँ पे आपको एंजॉय करने के लिए मिल जाते हैं गाइस। तो 749 रुपीस में यह प्लान आपके लिए बेहतर होगा जब अगर आप OTT एप्स को एंजॉय करना चाहते हैं। अदरवाइज आप 449 प्लान को ही यूज कर सकते हैं, वह आपके लिए इंटरनेट यूजर के लिए बहुत ही बढ़िया प्लान है गाइस। 749 प्लान में ओनली 1000 GB डाटा मिलता है आपको। OTT एप्स तो मिल जाती हैं लेकिन आपके पास लिमिटेड डाटा मिलेगा, 1000 GB डाटा मिलेगा, जिसमें कि हो सकता है कि आपके लिए डाटा कम पड़ जाए अगर आप हैवी यूजर हैं, ज्यादातर मूवीज वगैरह देखते हैं, गेम्स वगैरह प्ले करते हैं, तो इस प्रकार आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर आप ज्यादा डेटा वाला प्लान चाहते हैं तो नेक्स्ट प्लान भी मैं आपको बताने वाला हूं। और फाइनली लास्ट में गाइस मैं अपनी रिकमेंडेशन बताऊंगा, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और प्लीज यार चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा, आपका सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। गाइस 749 प्लान के बाद 799 का प्लान आता है। इसमें आपको अच्छी स्पीड मिल जाती है, साथ ही इसमें आपको 3300 GB का ह्यूज डाटा मिल जाता है एंड 1 मंथ की वैलिडिटी आपको मिलती है। तो अगर आप इंटरनेट यूजर हैं और आपको OTT एप्स नहीं चाहिए, जी हाँ, OTT एप्स आपको इसमें नहीं मिलती है, OTT एप्स नहीं चाहिए, तो यह प्लान आपके लिए स्पीड के मामले में काफ़ी अच्छा होने वाला है। अगर मैं बात करूँ 449 प्लान की जो कि वैल्यू फॉर मनी है, तो उसमें स्पीड आपको 30 Mbps की ओनली देखने को मिलती है, लेकिन इस प्लान में आपको 150 Mbps की ह्यूज स्पीड देखने को मिल जाती है। अगर आप ऑफिशियल वर्क करते हैं या गेमिंग करते हैं, कोई मूवी स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, तो इसके लिए यह प्लान आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकता है। नेक्स्ट प्लान आपको 999 में मिलता है, जिसमें कि आपको 150 Mbps की स्पीड मिलती है, साथ ही आपको 2000 GB डाटा मिलता है। तो यहाँ पे आपको 749 प्लान की अपेक्षा ज़्यादा डाटा मिल जाता है, क्योंकि वहाँ पे आपको 1000 GB डाटा मिलता है, यहाँ पे आपको 2000 GB डाटा मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको गाइज OTT एप्स भी एक्स्ट्रा मिलती है, 3-4 OTT एप्स एक्स्ट्रा मिल जाती है। सो यहाँ पे आपको स्पीड भी अच्छी मिलती है, तो यह प्लान आपके लिए यूजफुल हो सकता है। और गाइज मैं बात करूंगा कि अगर आप OTT एप्स वाले प्लान को सेलेक्ट करते हो तो वहां पे आपको डाटा कम ही मिलता है थोड़ा सा। अगर मैं बात करूं वैल्यू फॉर मनी प्लान की, कम कॉस्ट में आप प्लान चाहते हैं तो 449 प्लान सबसे बेस्ट है अगर आपको OTT एप्स को नहीं एंजॉय करना, साथ ही आपको कम स्पीड में आप एडजस्ट कर सकते हो। आपका काम बेसिक है और ज्यादा स्पीड के काम को आप नहीं करते हो इंटरनेट पे। लेकिन गाइज अगर बात करूं आपको डाटा चाहिए 3300 GB और स्पीड भी चाहिए, तो आपके लिए 799 प्लान यूजफुल हो सकता है गाइज। तो यहाँ पे कई सारे प्लान हमने बताए हैं, तो ये डिपेंड करते हैं आपके यूज पे, आप किस तरह के प्लान चाहते हो, आपके लिए कौन सा प्लान ज्यादा यूजफुल होने वाला है। सो आई होप कि ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी होंगी। सो थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।